I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. Cause I can't figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now. Hey guys, welcome back to my channel. Today is day 3 of my Kashmir trip, and today I'm currently in Gulmarg. So I started off at 8:30 from my hotel Karamgul, and I've reached approximately at 10 o'clock here. Now I'm at the main gate, and it's about 1.5 kilometer walk to the main gondola. So if you actually look, so that is, it's a pakka road over there, and it's a proper walk, and you can just, it will take approximately 10 to 15 minutes and you can reach the starting point of the gondola. So once you are there, you can take the gondola ride. Here they are trying to set up a hot air balloon. If I take a closer look, यहाँ पे जो box होता है नीचे वाला ये है, and जो colorful है ये balloon है, balloon part. Not sure ये कितने बजे start होगा, अगर होता है तो let's try, अगर सवारी मिलती है, otherwise, yeah, I'm still en route Gulmarg gondola. थोड़ा सा walking है, ठंड ज़्यादा है. I'm having cold, so मेरे को uncomfortable लग रहा है. But यहाँ पे if you see there is a small boat which says there are two routes. Let me take a closer look. As you'll see there are two paths here, so we are heading towards gondola, and I would really recommend कि आप gondola पहले जाए, because यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है. Secondly, you can go to Maharaja Park ice skating rink and also the shop if you want to purchase any souvenir. हम लोग लकी थे कि हमें गुलमर्ग फेस्टिवल देखने को भी मिला, जो कि 29th एंड 30th अक्टूबर का था. बट अभी इस समय प्रिपरेशन चल रही है, स्टार्ट होगा जो फेस्टिवल, दैट इज़ आई थिंक अराउंड 11 AM. तो फिर से आते हैं यहाँ पे देख. बट एज यू सी हम लोग भाग भाग के फटाफट लाइन में लगने के लिए चले गए थे, एंड आई रियली रिकमेंड कि आप पहले जाइए, लाइन में लगिए. बहुत लंबी लाइन लग जाती है, इनफैक्ट एक एक घंटे से लेके 4 घंटे तक की वेटिंग होती है. ये गंडोला के एंट्रेंस है. यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे लॉजेस हैं अगर किसी को रुकना हो, बट नॉट श्योर क्या प्राइस होगा, एक्सपेंसिव ही होगा काफ़ी. ये गेट है हमें जहाँ से एंटर करना है, स्पेशली एक एंट्री का साइन बना हुआ है यहाँ. काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे. ये जो स्टेयरकेस है यहाँ से जाएंगे हम ऊपर, अभी तो अपने लाइन में खड़े हैं. यहाँ पर कुछ अनयूज्ड अनऑपरेशनल केबल कार्स रखी हुई थी. In fact, this was more of like a godown also, जहाँ पे spare parts ही पड़े हुए थे. And if you see, gondola पुरानी टूटी फूटी gondola भी थी, and line बहुत लंबी थी यहाँ पे. The best part I liked about the whole management was almost हर 2 मिनट में एक gondola cable car जा रही थी, which meant कि मतलब इतनी ज़्यादा लंबी line होने के बावजूद it was very well managed. काफ़ी क्लीनलीनेस थी यहाँ पे, एंड आई रियली लाइक द मैनेजमेंट. जैसे आप देखोगे अभी एक आई है, एंड जस्ट लोग बैठे हैं एंड जा रहे हैं. ऑलमोस्ट अब 1 घंटे लाइन में लगने के बाद अब हमारा नंबर आया है. फाइनली वी आर इन द केबल कार, एंड हम लोग अभी फेज़ 1 की तरफ जा रहे हैं. इफ़ यू विल सी बहुत कम स्नो है, एंड ऑफकोर्स अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई थी इस वजह से भी, बट इवेंचुअली इन फेज़ 2 ज़्यादा स्नो होगी. बट व्यू वॉज अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, एंड कम्प्लीटली वर्थ द मनी. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी केबल कार बुक कराने से पहले, एंड दैट इज़, फर्स्ट इज बुकिंग. सो बुकिंग के लिए आप ये देखिए, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन.
प्लीज़ आप किसी भी स्कैम साइट पे मत जाइएगा, वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप टिकट बुक करा देंगे, पैसे पे कर देंगे, बट आपको शायद टिकट्स ना मिले। ये साइट ऑफिशियल है, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी का पता चलेगा जो अभी हम देखेंगे जस्ट कुछ सेकेंड्स में। नाउ कमिंग टू द रूट्स, सो देर आर टू टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज फेज वन। सो फेज वन इज नथिंग बट एज यू सी दिस इज गुलमर्ग टू कुंडूर। सो आपको फेज वन की अगर टिकट करानी है तो आपको दोनों टिकट्स करानी पड़ेगी, विच इज दैट यू सी टू वे टिकट्स विच इज मैंडेटरी। एंड सेकेंड रूट इज जस्ट नथिंग बट कुंडूर, जस्ट नथिंग बट कुंडूर टू अफारवत। मैं दोनों फेजेस में गई थी, फेज वन एंड फेज टू, एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप दोनों फेजेस में जाइए इफ पॉसिबल। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज फेज टू में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है केबल कार में तो बंद होती है। सो इफ यू आर लकी एंड वहाँ पे केबल कार चल रही होगी, सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप दोनों फेज में जाइए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अगर फेज टू की टिकट करानी है तो फेज वन की टिकट कराना क्रूशल है, अगर मैंडेटरी है आपको करानी ही करानी पड़ेगी। बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पहले फेज वन में जाना है, फिर वहाँ पे हम चेंज करते हैं जो कि मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, एंड उसके बाद हम फेज टू में जाते हैं। नाउ जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मैं फेज वन की विच इज़ नथिंग बट गुलमर्ग टू कुंडूर टिकट करा के दिखाती हूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्पेशली पीक सीजन में जा रहे हैं जो कि इधर दिसंबर अक्टूबर से मार्च तक होता है, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट एक महीने पहले कराइए, बिकॉज बहुत मुश्किल से मिलता है। सो आज मैं अभी मैं बुक कराती हूँ लेट्स से 3rd फेब की, सो मेरे को 3rd फेब की यहाँ पे नहीं मिल रही है, दैट इज़ यू कैन सी। यहाँ पे मैं अपनी टिकट जो करा रही हूँ 2nd फेब 2023 की करा रही हूँ, एंड विजिट टाइम लेट्स से 9 AM to 11 AM। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्लीज़ ट्राई करिए कि आप सुबह जितना जल्दी जा सकते हैं वहाँ पे पहुँचिए, क्योंकि बहुत भीड़ होने लगती है उसके बाद, एंड इवेंचुअली क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। आई थिंक अगर आप 9 o'clock के स्लॉट में जाते हैं दैट शुड बी सफिशियंट, एंड आपको बहुत टाइम मिल पाएगा ऊपर टाइम स्पेंड ऊपर इन्जॉय करने के लिए। सो रियली रिकमेंड कि आप 9 o'clock वाले स्लॉट में ही जाइए। दूसरी चीज़ जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, व्हेन दे से कि 11 o'clock तक का स्लॉट है, मतलब 11 o'clock तक का स्लॉट है, आपको वहाँ पे 10, 10:15, 10:30 मैक्सिमम आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अगर आप उससे लेट जाते हैं विच वुड मीन, अगर यहाँ पे इवन तो आपको दिख रहा है कि 11:15 का एक स्लॉट है, बट ये कभी होता है कभी नहीं होता है, तो वहाँ जाके आपको पता लगे कि अब नेक्स्ट स्लॉट तो 1 बजे का है, तो आपको पूरा आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं रियली रिकमेंड करूँगी कि आप जितना सुबह जितना जल्दी आप पहुँच सकते हैं वहाँ पे पहुँचिए, एंड अर्लीस्ट स्लॉट में चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1000 टिकट्स अवेलेबल है, जनरली 3000 तक की कैपेसिटी होती है, ऑलरेडी लोगों ने बुक करा दी है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट, आप अपने यहाँ पे डिटेल्स डालिए, आप नेक्स्ट अपना क्लिक करिए एंड आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपनी सेकेंड फेज की भी टिकट ऐसे ही बुक करा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको पहले फेज वन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए फिर फेज टू जाए या फिर उल्टा करें। वेलकम बैक गाइस, अभी मैं फेज वन पे खड़ी हूँ, यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है। सो व्हेनेवर यू कम फॉर कंडोला मेक श्योर फेज वन से उतरते ही यू गो एंड स्टैंड इन द लाइन फॉर फेज टू। पहला फेज टू जाओ, वहाँ पे एंजॉय करो, देन कम बैक एंड देन एंजॉय फेज वन। इफ यू सी टुवर्ड्स माय बैक, ये कंडोला है एंड दिस इज अक्टूबर। काफ़ी यहाँ पे फेज वन में ऐसा स्नो नहीं है, इट इज़ क्वाइट डीप, बट फेज टू में काफ़ी स्नो होगी। लेकिन सर नीचे काफ़ी स्नो है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर विल बी गोइंग समवेयर ओवर देयर। यहाँ पे कंडोला काफ़ी जा रही है। इन द मीन टाइम यहाँ पे खाने वाने का काफ़ी है बंदोबस्त, यू कैन ईट समथिंग वट एवर यू लाइक, बट ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। डू कैरी वाटर बॉटल्स फेस वन की स्टार्टिंग से एंट्री से, सो दैट यू डोंट फील थर्स्टी एंड यू डोंट डिहाइड्रेट। काफ़ी गर्मी है, इवन दो यू सी आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज मेरे कुछ काम है, बट अदरवाइज जस्ट कैरी योर स्वेटर्स एंड एवरी थिंग। सो फेज वन में एज सच यू डोंट रियली नीड द गमबूट्स। लेट्स सी फेज टू में जब हम पहुँचते हैं तो कैसा गमबूट्स है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। द मोमेंट आई सिट इन फेज टू गेंडोला आई विल शूट द रेस्ट ऑफ द वीडियो। सी यू देन, बाय।
अब हम फेज टू की तरफ चल पड़े हैं। जनरली केबल कार जो है उसमें 4 लोगों से लेके 5 लोगों की कैपेसिटी होती है, बट अगर आप एक फैमिली है तो आप रिक्वेस्ट करके सिर्फ 4 लोग भी बैठ सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कितनी भीड़ है। एंड यहाँ से जो व्यू था माइंड ब्लोइंग व्यू था। अब हम लोग ऑलमोस्ट गुलमर्ग फेज टू टॉप पर आ चुके हैं, विच इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3,700 meters, विच इज़ क्वाइट हाई। जैसे ही हम लोग अपने केबल कार से उतरे, दिस वॉज द व्यू दैट वी गॉट एंड इट वॉज अमेजिंग। थोड़ी सी भीड़ थी बट डेफिनेटली वर्थ इट। वाओ, ये व्यू डेफिनेटली हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार देखना ही चाहिए। इतनी स्नो, इतना सुंदर, इतना पीसफुल है ये। आई कैन फील माई हार्ट इज इन क्लाउड 9 एंड बहुत अच्छा है, बहुत डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ आइए यहाँ पे। सिर्फ आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे यहाँ पे। एंड दिस इज़ रियली फन एक्टिविटी फॉर एवरीवन, स्मॉल और बिग। इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, बट प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अभी तो मस्ती एक्चुअली में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या मस्तियाँ की, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो कि आप गुलमर्ग में कर सकते हैं, फेज टू में कर सकते हैं। फेज वन अभी तक हमने कवर नहीं किया, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने दिखाऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।